हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेजिट सिविल इंजीनियरिंग। दिस होल सीरीज इज स्पेशली फोकस्ड ऑन द डिजाइन ऑफ सबस्ट्रक्चर्स, बेसिकली पाइल, पाइल कैप एंड पियर। दिस इज द फर्स्ट सेशन, सो विल बी डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक्स दैट विल बी कवर्ड। जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग, जीडी में क्या क्या डिटेल्स होती हैं, क्या क्या डिटेल्स मेंशन होती हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, जीडी किस तरह से बनती है। इसके बाद हम देखेंगे डिज़ाइन बेसिस रिपोर्ट जो हमें क्लाइंट से मिलती है, डीबीआर में क्या क्या डिटेल्स मेंशन होती हैं, रेलेवेंट कोड्स आईआरएस सीबीसी, आईआरएस सीज़मिक कोड, इंडियन रेलवे ब्रिज रूल्स, आईएएस कोड्स एंड आईआरसी कोड्स, हम उन सब के बारे में बात करेंगे और उनसे हमें क्या क्या डिटेल्स लेनी है, क्या क्या कोडल प्रोविजंस हमें लेने हैं वो भी हम देखेंगे। इसके बाद जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, जियो टेक्निकल फैक्चुअल रिपोर्ट, जियो टेक्निकल इंटरप्रिटेशन रिपोर्ट और पाइल लोड टेस्ट, इन सब की क्या इंपॉर्टेंस है, एंड लोड कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे। जो भी लोड्स कॉम्बिनेशन हमें बनाने हैं, किस तरह से हम लोड कॉम्बिनेशन को बनाते हैं, किस तरह से हम फ्रेम करते हैं स्टैट प्रो में, वो भी हम देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे मॉडलिंग किस तरह से हमें करना है, पाइल, पाइल कैप, पियर की डिज़ाइन के लिए हमें पाइल की स्प्रिंग्स कैसे लगानी होती है, किस तरह से स्प्रिंग वैल्यू को असाइन करना होता है। उसके बाद फाइनली हम डिज़ाइन करेंगे एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट पे। लेट्स डिस्कस अबाउट द जीएडी। सो जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग पहले बना ली जाती है आफ्टर सर्वे, आफ्टर यू हैव कंडक्टेड द सर्वे। इसमें बेसिक जो हमारा अलाइनमेंट है, जो भी स्पैन है, जो भी आसपास के स्ट्रक्चर्स हैं, वो हम इसमें जीएडी में दिखाते हैं। इसमें सारे लेवल्स मेंशन होते हैं, रेल लेवल और जितने भी तरह के आसपास के स्ट्रक्चर्स हैं वो सब इसमें मेंशन होते हैं। सो हम इस पर्टिकुलर सीरीज़ में हम इस P103 को डिज़ाइन करेंगे, जिसके दोनों तरफ लेफ्ट हैंड स्पैन और राइट हैंड स्पैन दोनों ही 34 मीटर के हैं। इसका सुपर स्ट्रक्चर जो है वो PSC बॉक्स गर्डर है, सेक्शन का पियर होगा हमारा। इसमें पाइल होगी 1.2 मीटर्स की और पाइल कैप होगा रफली 5.3 बाय 5.3 का। ये जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग में आप देख सकते हैं, ये प्लान व्यू है, चेंज भी दिए जाते हैं पर्टिकुलर किस चैनेज के लिए ये जीएडी बनी हुई है। इसमें स्पैन मेंशन होते हैं कि क्या स्पैन की लेंथ है, टाइप ऑफ सुपर स्ट्रक्चर है वो बेसिकली मेंशन होता है। ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट द डीबीआर। सो डिज़ाइन बेसिस रिपोर्ट इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय द क्लाइंट इटसेल्फ। डीबीआर में वो सारी चीज़ें मेंशन होती हैं जो डिज़ाइनर को चाहिए किसी भी एलिमेंट को डिज़ाइन करने से पहले। इसमें कोड्स मेंशन होते हैं, किस ऑर्डर में आपको कोड्स फॉलो करने हैं, कौन कौन से लोड आपको लेने हैं और कौन कौन से लोड कम्बिनेशन आपको बनाने हैं पर्टिकुलर डिज़ाइन के लिए, वो सारा कुछ डीबीआर में मेंशन होता है। दिस इज़ अ रिपोर्ट ऑफ MPMRCL, उसमें आप देख सकते हैं इसमें सारा कुछ मेंशन होता है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट। इसमें सारा कुछ ही मेंशन होता है कि हमें कौन कौन से बियरिंग ले सकते हैं हम, सबस्ट्रक्चर की डिज़ाइन, पाइल, पाइल कैप, पियर, शियर की, क्रैश बैरियर, पियर्स, पियर कैप, फाउंडेशन सिस्टम कैसा होगा। इसमें फिर हम जो उनका जो रोलिंग स्टॉक का सिस्टम है वो भी मेंशन होता है, कितने एक्सेल होंगे, क्या लोड्स होंगे, इसका लोड कॉम्बिनेशंस कैसे होंगे, वो सारा कुछ आप देख सकते हैं। एलिमेंट्री लोड डेफिनेशंस जो होती हैं, फिर लोड कॉम्बिनेशंस जो भी हैं और जो जो कोड्स हमें फॉलो करने हैं वो भी इसमें मेंशन होता है। दीज आर द मेन पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल मेट्रो वायाडक्ट। एज यू कैन सी दिस इज़ द रोलिंग स्टॉक, these are the parapet walls, these are the rails, then this is a superstructure, PSC type box girder. Superstructure can be of many other types like PSC box girder, U girder, RCC, I girder with slab, solid slab etc. जो superstructure का type है वो select होता है span पे, material पे और cost पे। दीज आर द बियरिंग्स, बियरिंग्स आर ऑल्सो और द मैनी ऑफ द टाइप, इलेस्ट्रोमेरिक, देन देर इज स्पॉट PTFE, स्फेरिकल एक्सेट्रा। देन दीज आर द पेडेस्टल्स जिसपे बियरिंग रखी होंगी। देन दीज आर द पियर कैप और पियर आर्म, दीज आर द क्रैश बैरियर्स, दीज आर द पाइल कैप एंड दीज आर द पाइल्स। कोशिश ये की जाती है कि किसी भी एलिवेटेड मेट्रो स्ट्रक्चर को जितना हो सके हम उसे मीडियन पे रखने की कोशिश करते हैं, ताकि जो रोड सिस्टम है वो प्रॉपर फंक्शनिंग करते रहे मेट्रो बनने के बाद भी।
अगर ऐसा हो कि ये मेट्रो का पियर यहाँ हो या फिर यहाँ हो, तो ये जो मूवमेंट, जो व्हीकल का मूवमेंट है, इसको हैंडल करेगा या फिर इसकी जगह खाएगा। इसीलिए कोशिश ये की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी मेट्रो का जो पियर आना है वो इस मीडियन के अंदर ही आए और सेंटर पे ही रहे। सुपरस्ट्रक्चर बहुत तरह के होते हैं। जो नॉर्मली यूज़ होते हैं वो पीएससी टाइप बॉक्स गर्डर होता है या फिर यू गर्डर होता है। पीएससी बॉक्स गर्डर को 2.5 से 3 मीटर की लेंथ में कास्टिंग यार्ड में कास्ट किया जाता है। उसके अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं, S1, S2, S3, S4। उनमें जो लास्ट का सेगमेंट होता है उसको मैच कास्ट किया जाता है। कास्टिंग यार्ड पे कास्ट करने के बाद उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। आप देख सकते हैं ये कास्टिंग यार्ड पे कास्टिंग की जा रही है। ये ड्राइंग्स हैं जो टिपिकल पीसी टाइप बॉक्स गर्डर की जो ड्राइंग्स होती हैं वो हैं ये। उन्हें साइट पे किसी भी ट्रेलर से ट्रांसपोर्ट किया जाता है और फिर उसे फाइनली इरेक्ट कर दिया जाता है लॉन्चिंग गेंट्री की मदद से। कुछ इस तरह का सिस्टम रहता है। आप देख सकते हैं ये पियर है, ये पियर है, इस पियर, ये लॉन्चिंग गेंट्री होती है। इसके जो सपोर्ट्स हैं ये इसको वन बाय वन इसको पूरा इरेक्ट करते जाते हैं, और फाइनली जब ये पूरा इरेक्शन हो जाता है तो फिर इस गर्डर की स्ट्रेचिंग भी कर दी जाती है। सुपरस्ट्रक्चर की आगे हम देखें तो उसमें यू गर्डर भी होते हैं। यू गर्डर को आप देख सकते हैं, इसे साइड पे कास्ट किया जाता है और फाइनली क्रेन की मदद से लॉन्च कर दिया जाता है। जो इनकी लेंथ है वो 16 मीटर से 28 मीटर के बीच में होती है, जो कि बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए इसका वेट भी ज़्यादा होता है और क्रेन्स की कैपेसिटी भी इसीलिए ज़्यादा रखनी पड़ती है। ज़्यादा कैपेसिटी की क्रेन्स हमें यूज़ करनी पड़ती है। गर्डर के बाद पीएससी आई गर्डर है। पीएससी आई गर्डर को भी हम कास्टिंग यार्ड पे कास्ट करते हैं, फिर उसको ले जाके क्रेन की मदद से जो साइट है वहाँ पे हम इसे इरेक्ट कर देते हैं। सिमिलरली स्टील कंपोजिट गर्डर, ओडब्ल्यूजी। ओडब्ल्यूजी आर मेनली यूज इन रेलवेज। आप देख सकते हैं दीज आर द फॉर आर ओ बी ऑल्सो दीज आर यूज ओडब्ल्यूजी, वेरी वाइडली यूज। रेलवे में भी आपने देखा होगा। नाउ विल मूव ऑन टू बियरिंग। सो बियरिंग का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट को अलाउ करना, जस्ट लाइक अ सपोर्ट, जस्ट लाइक अ सपोर्ट। सो बियरिंग परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ अलाउइंग ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मूवमेंट ऑफ द सुपरस्ट्रक्चर टू ऑकर एंड ट्रांसफर द इंटायर लोड फ्रॉम सुपरस्ट्रक्चर टू द सबस्ट्रक्चर ऑफ अ ब्रिज। नॉर्मली जो बियरिंग्स यूज होती हैं वो होती हैं इलास्टोमेरिक। इलास्टोमेरिक एज यू कैन सी, देन पॉट पीटीएफई एंड द थर्ड वन इज स्फेरिकल। स्फेरिकल आर जनरली यूज फॉर अ स्पेशल स्पैन्स ऑफ नॉर्मली मोर देन स्पैन्स ऑफ 45 to 60 meters, समथिंग लाइक दैट। उसके बाद सबस्ट्रक्चर में पियर, पियर भी जो होते हैं नॉर्मल टाइप के भी होते हैं, कैंटिलीवर भी होते हैं, पोर्टल भी होते हैं। जो मेन थिंग इन सभी पियर को डिसाइड करने में आती है वो होती है साइट पे जो अलाइनमेंट है हमारा वायाडक्ट का, वो जहाँ से पास हो रहा है वहाँ पे जो बाकी जो एडजस्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं वो हमें अगर अलाउ करते हैं, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पियर हमारे नॉर्मल हो, ज़्यादा से ज़्यादा स्पैंस हमारे स्टैंडर्ड हो, लेकिन कभी कभी साइट पे ऐसा नहीं होता है। उसकी वजह से हमें कैंटिलीवर पियर भी देने पड़ते हैं और पोर्टल पियर भी देने पड़ते हैं। सो दिस इज कैंटिलीवर, एज यू कैन सी दिस इज कैंटिलीवर एंड दिस इज द पोर्टल पियर। ओके, लेट्स डिस्कस द मेथडोलॉजी जो हम फॉलो करने वाले हैं इस पाइल पाइल कैप पियर की डिज़ाइन के लिए। सबसे पहले हमें एक्सेल में सारे लोड्स कैलकुलेट करना है, सारे बेसिक डेटा जो है हमें सारा कुछ एक्सेल पे लेके जाना है, वही हमारी डिज़ाइन रिपोर्ट भी रहेगी। तो देख सकते हैं ये एक मेट्रो स्ट्रक्चर है जिसमें हम P103 की डिज़ाइन करने वाले हैं। P103 के लेफ्ट लेफ्ट हैंड स्पैन भी 34 मीटर का है और राइट हैंड स्पैन भी 34 मीटर का है। इनपुट स्लाइड में जो हमारी बेसिक डेटा होगा वो बेसिक डेटा हम इसमें इनपुट करेंगे। हम इस शीट को खुद से डेवलप करेंगे, पूरी शीट को हम खुद डेवलप करेंगे, स्टैट मॉडल्स हम खुद बनाएंगे और हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा काम स्टैट एडिटर से करने की, जिससे हमारा काम जल्दी हो जाए। जो भी लोड्स कैलकुलेट करना है हमें वो सारा कुछ इसी शीट्स पे होंगे। आप देख सकते हैं लाइव लोड की किस तरह से कैलकुलेशन करनी है और सीज़मिक लोड्स की किस तरह से कैलकुलेशन करनी है, लाइव विंड लोड की किस तरह से कैलकुलेशन करनी है, वो सारी कैलकुलेशन इसी
सीट्स पे होंगी। इसके बाद हम जाएंगे स्टैट पे। स्टैट पे हमें दो मॉडल्स बनाने हैं, एक पियर का मॉडल होगा और दूसरा पाइल का मॉडल होगा। पियर के मॉडल में हमें जो बियरिंग्स की जो प्लेसमेंट है, वहाँ पे जितने भी लोड्स हैं हमें जो लगाने हैं, वहाँ तक के हमें मॉडल करना पड़ेगा। इसके बाद हमें कुछ नोट्स बनाने पड़ेंगे जो सुपरस्ट्रक्चर के सीजी पे हो, सीज्मिक अरेस्टर के टॉप पे हो। इस तरह से हमें कुछ नोट्स बनाने हैं। आप देख सकते हैं ये नोट्स उसी तरह से बनाए गए हैं। ये मॉडल हम वन बाय वन स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच बनाएंगे ताकि एक एक चीज़ कवर हो इस पूरे सीरीज में। इसके बाद ये लोडिंग्स, तो ये लोडिंग्स जो हैं ये काफ़ी तरह की हैं और सबस्ट्रक्चर की डिज़ाइन में सबसे ज़्यादा लोड कम्बिनेशंस ही बनते हैं, और इन सारे लोड कम्बिनेशन को हम स्टैट एडिटर में ही बनाएंगे ताकि हमारा काम बहुत आसानी से हो जाए। हमें पाइल की भी मॉडलिंग करनी पड़ेगी ताकि हम सॉइल स्ट्रक्चर इंट्रैक्शन को प्रॉपर से सिमुलेट कर सकें। इसके लिए जो हमें डेटा जियो टेक्निकल इंटरप्रटेशन रिपोर्ट से लेना है वो भी हम लेंगे। जियो टेक्निकल रिपोर्ट्स के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। और इस पाइल को, जो भी पाइल की लेंथ है उसमें पाइल स्प्रिंग्स को किस तरह से असाइन करना है वो भी हम देखेंगे, और इससे जो रिजल्ट्स हैं उनको हम रिपोर्ट में ले जाके किस तरह से उसको इनपुट करना है और किस तरह से उस डेटा को लेना है अपनी रिपोर्ट में और डिज़ाइन करना है, वो सारा कुछ हम इस पूरी सीरीज में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम एक्सेल में ही सारे जो डिज़ाइन है वो भी एक्सेल पे ही होगी। आफ्टर यू हैव टेकन ऑल द लोड्स एंड लोड कम्बिनेशन एंड बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्सेस फ्रॉम द स्टैट, फिर हम इसी पूरे डेटा को यूज़ करेंगे अपनी डिज़ाइन के लिए, पियर की डिज़ाइन के लिए, पाइल कैप की डिज़ाइन के लिए एंड देन पाइल की डिज़ाइन के लिए। लोड्स कम्बिनेशन को हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे। इसमें जो भी लोड्स कम्बिनेशन है आप देख सकते हैं, ऑलमोस्ट इतने जो हमारे लोड्स हैं, ऑलमोस्ट 50 लोड्स हैं। इनक्रीमेंट को भी देखेंगे, रिइंफोर्समेंट को किस तरह से टैबलेट करना है, किस तरह से रिइंफोर्समेंट की डिटेलिंग करना है, पाइल की, पाइल कैप की, पियर की। दिस इज़ ऑल फॉर द वीडियो। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। हैव अ गुड डे।